हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वाटरमेलन आइसक्रीम बनने जा रहे हैं, तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने वाटरमेलन को भी से काट लिया है और इसे हमें अच्छे से तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। ये देखिए, और इसके जो बीज है उसे हमें निकाल के अलग कर देना है। ये देखिए, कुछ वाटरमेलन को मैंने बहुत छोटे छोटे काटा है ताकि इसको मैं ऊपर से गार्निशिंग करूँ, और बाकी जो बचे हुए इसको मुझे मिक्सी में ग्राइंड करना है। तो ये देखिए, मैंने एक मिक्सी जार लिया है। अब उसमें हम एक से चम्मच शक्कर भी ऐड करेंगे, और आप इसमें चाहे तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंने नहीं डाला है। तो ये देखिए, चलिए जल्दी से मॉल लेते हैं जिसमें हमें आइसक्रीम बनाना है। तो ये देखिए, मैंने कुछ कांच की गिलासें ली है, और ये मेरी आइसक्रीम की ट्रे है जिसमें हम आइसक्रीम बनाते हैं। तो ये देखिए, अब इसमें हमें उस जो बैटर है हमारा उसमें डाल देना है। उसके बाद जो छोटी छोटी पीसेस को जो हमने काटा था उस गार्निशिंग के लिए, अब हम उसको ऊपर से इसमें अच्छे तरीके से फैला देंगे। ये देखिए, बस हमें ऊपर ही डालना है, उसको मिक्स नहीं करना है, ताकि इससे क्या है, जब आप आइसक्रीम खाएं तो ये जो छोटी छोटी पीसेस है ना, वो आपके मुँह में जाएंगी, उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। एक बार जरूर ट्राई करें फ्रेंड्स। ये देखिए, अब इसी तरह हम इसमें सारे जो हमारे जितने मोल्ड है आइसक्रीम के, जो हमारे मोल्ड है उसमें, और जो कांच के गिलास है उसमें भी हमें अच्छे तरीके से इसको फैला देना है। बस ऊपर ऊपर ही डालें, इसको अंदर मिक्स ना करें। तो ये देखिए, मैं धीरे धीरे करके सारे मोल्ड में फैला दे रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये जो हमारे कांच के गिलास थे उसमें भी हमने इसमें बैटर पहले डाला है, उसके बाद जो हमारे छोटे छोटे वाटरमेलन के पीसेस थे अब उसको डाल दिया है। ये देखिए, हमारे सारे तैयार हो गए हैं। अब हमारे जो आइसक्रीम की मोल्ड है उसमें हम आइसक्रीम का ढक्कन लगाएंगे, और ये देखिए हमारे जो कांच के गिलास है उस पर भी हमने फॉइल पेपर लगा दिया। और नाइफ की सहायता से हमें बीच में छोटा सा कट करना होगा, ताकि इसमें हम आइसक्रीम की जो हमारी आइसक्रीम स्टिक आती है उसे डाल सकें। तो ये देखिए, मैंने इसमें आइसक्रीम की दो स्टिक डाल दी है। अब इसको हमें 5 से 6 घंटे के लिए डीप फ्रीज करना है। ये आपके फ्रिज के ऊपर डिपेंड करता है, आपका फ्रिज कैसा है। इसको ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, मैंने इसे 5 से 6 घंटे के बाद निकाल लिया है। तो ये देखिए, और आइसक्रीम को कभी भी फ्रेंड्स डायरेक्टली ना निकालें, या तो आप इसके चाहे तो इसको पानी में घुमा सकते हैं, या तो मैं जैसे कर रही हूँ इसको हाथ पे अपने दोनों हथेली के बीच में रखे, इसे अच्छे से मिला लें ऐसे करके, उसके बाद इसको धीरे से आप निकालें। इससे क्या है, आइसक्रीम टूटेगी नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी आइसक्रीम बनी है। चलिए इसी तरह मैं आपको सारी आइसक्रीम दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसका टेस्ट भी आप देखिए फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है।